No, 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 no. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वार्षिक उर्स के अवसर पर चादर चढ़ाते यह वीडियो और फोटो अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हो रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी चादर चढ़ा रहे हैं जो कि देश में बढ़ रहे धार्मिक उन्मादों को कम करने के लिए एक बेहतर संदेश है। लेकिन बीजेपी पार्टी के कुछ नेता और मंत्री आए दिन एक धर्म विशेष के खिलाफ उल जुलूल बयानबाजी करते ही रहते हैं। अभी हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे पठान मूवी को किस तरह से थिएटर में चलने नहीं दिया जा रहा है। थिएटर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है और मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की जा रही है। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चादर चढ़ाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता एक धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर अब दोहरी राजनीति का हवाला देते हुए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर तंज कस रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन राजीव निगम लिखते हैं, मोदी जी और स्मृति ईरानी ने अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने के लिए भेजी, अंधभक्तों के बायकॉट के डर से खुद नहीं जा सके। अभिषेक सिंह लिखते हैं, भक्तों के दुख काहे खत्म नहीं होते। बिजू दत्ता लिखते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बात तो सही है।